हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 2। इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चुपानी मांडो, ऑप्शन बी ए काकोरिया, ऑप्शन सी ए महादाहा, ऑप्शन डी ए सराय नाहर राय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महादाहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण या औजार मिले हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महादाहा से। नेक्स्ट आते हैं, लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंटिंग के कार्यकाल में, ऑप्शन बी ए कार्नवालिस के कार्यकाल में, ऑप्शन सी ए कर्जन के कार्यकाल में, ऑप्शन डी ए डलहौजी के कार्यकाल में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। नेक्स्ट आते हैं, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग से, ऑप्शन बी है डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव से। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग से। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए खिलाफत का सवाल, ऑप्शन बी है नमक कानून, ऑप्शन सी है पंजाब में अत्याचार, ऑप्शन डी है रॉलेट एक्ट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नमक कानून। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साल्ट लॉ या नमक कानून। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का विरोध किया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी सी आर दास। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का विरोध किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी ने एक साल में स्वराज, स्वराज इन ईयर का नारा कब दिया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दांडी मार्च के दौरान, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने स्वराज इन ईयर का नारा कब दिया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन उसका परिणाम नहीं देख सके? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन उसका परिणाम नहीं देख सके? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आते हैं, चौरा चौरी कांड किस दिन हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी है 8 फरवरी 1922, ऑप्शन सी है 6 फरवरी 1922, ऑप्शन डी है 9 फरवरी 1922। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। यहाँ से आपको दो पॉइंट याद रखना है, जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन इनके पास दो चीज़ था। पहला था ट्रेड ऑफ टी,
ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों पावर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। कौन सा? एक तो ट्रेड ऑफ टी और दूसरा ट्रेड विथ चाइना। और ये हटाया कब गया? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उससे ये दोनों भी पावर कंप्लीटली ले लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको यहाँ पे, जो 1813 का चार्टर एक्ट था इसमें एक प्रोविज़न आया था पहली बार इंडिया में 1,00,000 रुपया पर ईयर एजुकेशन पे खर्चा करने का। कौन से अधिनियम से आया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1902, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संविधान निरंकुशता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी की शुरुआत की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1902, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संविधान निरंकुशता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी की शुरुआत की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। नेक्स्ट आते हैं, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी है भारत की संसद, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्य की विधायिका। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य की विधायिका। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य की विधायिका। नेक्स्ट आते हैं, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी है स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, ऑप्शन डी है जिला न्यायाधीश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, पंचायतों की अवधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ई, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 ओ, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 ए, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 243 डी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ई।
पंचायतों की अवधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 243A। और 243D में क्या है? तो एससी एसटी के लिए पंचायतों में रिजर्वेशन। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? आपके पास ऑप्शन है पहला संशोधन, ऑप्शन बी 8वां संशोधन, ऑप्शन सी 9वां संशोधन, ऑप्शन डी 42वां संशोधन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहला संशोधन। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहला संशोधन। और 42वें संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, केरल का कुडनाड क्यों प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है मीठे पानी की झील है, ऑप्शन बी है एक मुंगा द्वीप कोरल आइलैंड है, ऑप्शन सी है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ऑप्शन डी है भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुडनाड क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय का तराई क्षेत्र है, आपके पास ऑप्शन है ग्रेट हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी है अरावली। सही आंसर क्या होगा? तो हिमालय का तराई क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिवालिक। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय के किस भाग में करेवा लैंडफॉर्म पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है उत्तर पूर्व हिमालय, ऑप्शन बी है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। हिमालय के किस भाग में करेवा लैंडफॉर्म पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट आते हैं, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज ऊपर के सभी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र भी सही होगा, सतलज भी है और सिंधु भी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन है भांडेर, ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है मैकाल, ऑप्शन डी है मुकुंदवाड़ा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैमूर। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैमूर। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? आपके पास ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है तापी, ऑप्शन डी है कबम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तापी नदी। नेक्स्ट आते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? आपके पास ऑप्शन है सह्याद्री, ऑप्शन बी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है ननवदीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में लिया है क्योंकि जो हिंदी में इकोनॉमिक्स से टर्म होते हैं ना वो उतने फेमिलियर नहीं होते और थोड़े अजीब से होते हैं, तो क्वेश्चन को मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को केवल इंग्लिश में ही लिया हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज ए फीचर ऑफ, जो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है किसका फीचर है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है इम्परफेक्ट मार्केट, ऑप्शन बी है मोनोपोली एकाधिकार, ऑप्शन सी है ओलिगोपोली अल्पाधिकार, ऑप्शन डी है परफेक्ट कंपटीशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। जो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है किसका फीचर होता है, परफेक्ट कंपटीशन का, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं सजातीय उत्पाद। तो सजातीय उत्पाद ऐसे उत्पाद है जो अपनी गुणवत्ता और उपयोग में समान है और विभिन्न ब्रांडों के बीच अप्रभेद है, मतलब उसमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते। और होमोजीनियस प्रोडक्ट का एग्जांपल कौन सा है, तो जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट हो गया आपका, स्टील हुआ, ये सब क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज, आपके पास ऑप्शन है इनवर्स उल्टा होता है, ऑप्शन बी है डायरेक्ट, ऑप्शन सी है स्टेबल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो जब प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा ना, जब प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, डिक्रीज करता है। पहले आप सौ रुपये में एक केजी कोई सामान लेते थे, वही सौ रुपये में अब कितना मिल रहा है, 500 ग्राम या 700 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है ना, प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इनवर्स। नेक्स्ट आते हैं, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर क्वाइंड बाई, आपके पास ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, ऑप्शन बी है रैगनर नूर्क से, ऑप्शन सी है रैगनर फ्रीस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म है, यहाँ एम मिसिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म है, ये किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रैगनर फ्रीस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, SDR stands for, सिंपली आपसे पूछ रहा है कि SDR का फुल फॉर्म क्या होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में। आपके पास ऑप्शन है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑप्शन बी है स्टेट ड्राइंग राइट्स, ऑप्शन सी है स्पेशल डेवलपमेंट राइट्स, ऑप्शन डी है स्पेसिफिक ड्राइंग राइट्स। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR stands for स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ द, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो IMF की पूंजी होती है यह किसके योगदान से बनती है। आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट, ऑप्शन बी है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ऑप्शन सी है मेंबर नेशन, ऑप्शन डी है बोरोइंग। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेंबर नेशन के योगदान से। जो IMF की पूंजी है किसके योगदान से बनती है, तो मेंबर नेशन के योगदान से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 2021-22 में देश के वस्त्र और परिधान टेक्सटाइल एंड अप्रैल शिपमेंट के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश था। आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका या USA। 2021-22 में देश के वस्त्र और परिधान शिपमेंट के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा देश था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका या USA। नेक्स्ट आते हैं,
ऑपरेशन महिला सुरक्षा किस संस्था की एक पहल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी है रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किस संस्था की पहल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है कैस्पर रूड, ऑप्शन डी है लुकास अल्कराज। तो सही आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए राफेल नडाल। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको एक जगह नोटबुक तैयार करके ये तैयार करना है कि नोवाक जोकोविच ने कौन कौन सा खिताब जीता है, लुकास अल्कराज ने कौन सा खिताब जीता है, कैस्पर रूड ने कौन सा खिताब जीता है, राफेल नडाल ने कौन सा खिताब जीता है। इससे क्या होगा ना कि टेनिस से क्वेश्चन आता है तो आपका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में कितने जिलों को सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 45। सही आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, 30। जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में कितने जिलों को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा, 30 जिलों को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन से देश है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया इराक, यूएसए यूके, ऑप्शन बी है इंडिया इजराइल, यूएसए एंड यूके, ऑप्शन सी है इंडिया इजराइल, यूएसए एंड यूएई, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया इजराइल, यूएसए एंड यूएई। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? I2U2 का मतलब क्या हुआ? I2 मतलब डबल आई, U2 का मतलब W, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल, U फॉर USA एंड U फॉर UAE। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इजराइल USA एंड UAE। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडिया इजराइल USA एंड UAE। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रवासन 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में शहरी भारत में पुरुषों का अपने ग्रामीण घरों में प्रवास करने का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक रिपोर्ट आया हुआ था भारत में प्रवासन माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में शहरी भारत में पुरुषों का अपने ग्रामीण घरों में प्रवास करने का प्रतिशत क्या है? मतलब शहरी भारत से कितने लोग अपने ग्रामीण घरों में वापस चले गए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 41.2%, ऑप्शन बी है 31.2%, ऑप्शन सी है 47.5%, ऑप्शन डी है 51.6%। सही आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 51.6%। अच्छा, इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था? माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21, भारत में प्रवासन 2020-21। तो आंसर क्या होगा? रिपोर्ट रिलीज किसने किया था? एनएसओ ने। और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 51.6%। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहां पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ईरान ने, किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान ने। नेक्स्ट आते हैं, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, शॉर्ट में बोलते हैं हीट, का नाम क्या है जिसका हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी है अभ्यास, ऑप्शन सी है अप्सरा, ऑप्शन डी है समय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभ्यास। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम क्या है जिसका हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभ्यास। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जाक्सा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है ESA। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है, सैटेलाइट है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा। बीकमिंग के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मिशेल ओबामा, ऑप्शन बी है सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी है झुंपा लाहिड़ी, ऑप्शन डी है हिलेरी क्लिंटन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिशेल ओबामा। बीकमिंग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिशेल ओबामा। और आपको क्या करना है, मिशेल ओबामा ने ना जो जो बुक इन्होंने लिखा हुआ है इनको आप याद कर लो, उन सारे बुक का नाम याद कर लो, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1968 में, ऑप्शन बी है 1970 में, ऑप्शन सी है 1975 में, ऑप्शन डी है 1980 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1970 में। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1970 में। नेक्स्ट आते हैं, 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है मालदीव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाकिस्तान। और जो 13वां हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। नेक्स्ट आते हैं, अर्चना कामत का संबंध किस खेल से है? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, ऑप्शन सी है स्क्वैश, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेबल टेनिस है। अर्चना कामत का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट आते हैं, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय कौन है? आपके पास ऑप्शन है कुलदीप यादव, ऑप्शन बी है भुवनेश कुमार, ऑप्शन सी है हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुलदीप यादव। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुलदीप यादव। नेक्स्ट आते हैं, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन बी है प्रणव वेंकटेश, ऑप्शन सी है डी गुकेश, ऑप्शन डी है मित्रभा गुहा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रणव वी या प्रणव वेंकटेश इनका पूरा नाम है। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2022 सॉन्ग ऑफ द ईयर का विजेता कौन था, कौन सा सॉन्ग था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है लीव द डोर ओपन, ऑप्शन बी है ऑल राइट, ऑप्शन सी है गर्ल क्रश,
ऑप्शन डी है थिंकिंग आउट लाउड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लीव द डोर ओपन। निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2022 सॉन्ग ऑफ द ईयर का विजेता था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लीव द डोर ओपन। नेक्स्ट आते हैं, यूएन में भारत के नए राजदूत कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी है टी एस तिरुमूर्ति, ऑप्शन डी है रुचिरा कंबोज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो यूएन में जो भारत के नए राजदूत बने हैं उनका नाम है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, और इनसे पहले कौन थे, टी एस तिरुमूर्ति। और आपको यहाँ से याद क्या रखना है, आपको खुद से पता करना है कि गीता गोपीनाथ क्यों न्यूज़ में बनी हुई थी, आईएमएफ से रिलेटेड कुछ इनका न्यूज़ था, आपको खुद से नोट करना है। और शशि थरूर ने जो जो भी पुस्तकें लिखी हुई है ना उनको आपको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय युवा महोत्सव निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी है मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा महोत्सव निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट आते हैं, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है एस सोमनाथ, ऑप्शन बी है समीर वी कामत, ऑप्शन सी है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन डी है सुमन बेरी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एस सोमनाथ। और यहाँ से तीन क्वेश्चन और बनते हैं, सबसे पहले DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो उनका नाम है समीर वी कामत। DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं, समीर वी कामत। फिर दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, नीति आयोग के CEO कौन है, तो उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के CEO कौन है, परमेश्वरन अय्यर। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, उनका नाम क्या है, तो सुमन बेरी। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एस सोमनाथ, DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं, समीर वी कामत, नीति आयोग के CEO कौन है, परमेश्वरन अय्यर, और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, वाइस चेयरमैन, तो उनका नाम है सुमन बेरी। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेन का नाम शताब्दी एक्सप्रेस किसकी शताब्दी को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी है भारत की स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। ट्रेन का नाम शताब्दी एक्सप्रेस किसकी शताब्दी को दर्शाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि 68 BPSC या BSSC CGL या SSC CGL के लिए आप करेंट अफेयर का क्विज यहाँ पे लगा सकते हैं और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।